हाय, मेरा नाम विजय है और मुझे स्टॉक मार्केट में लगभग 10-12 साल हो गया और मुझे अनुभव है, थोड़ा बहुत जानकारी है थोड़ा बहुत, कि किस तरह के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस समय, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय मार्केट में बड़ी अजीब कंडीशन चल आ गई है। पिछले विगत यदि आप 1-1.5 महीने का समय देखिए तो निफ्टी और सेंसेक्स जो है अपनी बिल्कुल उच्चतम स्तर पे चला जा रहा है और जो स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स हैं काफी गिरावट झेल रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। बहुत सारे ट्रेडर्स वगैरह जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मेरे पास मैसेज, मुझे फोन आते रहते हैं कि अब क्या किया जाए। मार्केट काफी, उनके जो पोर्टफोलियो थे काफी निगेटिव चले गए हैं। तो हमें चीज हमेशा याद रखना चाहिए मित्रों, यदि इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और यदि इन्वेस्टमेंट में हम ठोक बजा करके सही तरीके से विश्लेषण करके कंपनियों को के शेयर खरीदते हैं तो निसंदेह जो भी गिरावट का दौर आया हुआ है वो गिरावट का दौर अस्थाई है, एक शॉर्ट टर्म के लिए है। ये फिर गिर जाए, ये जो दौर है वो दौर खत्म हो जाएगा और फिर इसके बाद पुनः जो पोर्टफोलियो होगा वो ग्रीन होगा। तो हमें धैर्य रख करके अपने जो भी होल्डिंग स्टॉक्स है हमें होल्ड करनी चाहिए। हमें यह ध्यान देने चाहिए कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे कैटेगरी के स्टॉक्स होने चाहिए, अच्छे क्वालिटी की। उनका मैनेजमेंट, उनका बिजनेस यदि शानदार है तो बिजनेस अच्छा है तो निस्संदेह हमारा स्टॉक भी एक समय हरा होगा, प्रॉफिट में आएगा। तो जब गिरावट का दौर होता है तो हमें अच्छे स्टॉक को खरीदना चाहिए और जब मार्केट में तेजी हो तो हमें जो खराब कैटेगरी के स्टॉक हमने गलती से खरीद रखे हैं उस स्टॉक को हमें बेचने चाहिए। तो इस समय यदि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो करेक्शन पर उपलब्ध हैं जिसको हम खरीद सकते हैं। और इन स्टॉक्स को हम मार्केट कैसा भी हो, चाहे वो मार्केट खराब दशा में हो चाहे अच्छी दशा में हो, वो हमेशा मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं ओवर द पीरियड, एक लॉन्ग टर्म के। शॉर्ट टर्म से हमें घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो होल्ड करते रहना चाहिए। एक चीज हमें हमेशा याद रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते समय कि जो कंपनियों के फंडामेंटल होते हैं वो ओवर द नाइट चेंज नहीं होते हैं, या 1 महीने में चेंज नहीं होते हैं, 1 हफ्ते में चेंज नहीं होते हैं। फंडामेंटल यदि बढ़िया है तो स्टॉक हमें रखना चाहिए। प्राइस जो कंपनी के जो शेयर के प्राइस है वो नीचे पर होते रहते हैं। मार्केट का मूल स्वभाव है अप डाउन होना। मार्केट की यही ब्यूटी है, इसका अप एंड डाउन होना। जिस वक्त मार्केट की वोलेटिलिटी समाप्त हो जाएगी इसकी ब्यूटी समाप्त हो जाएगी। तो जब मार्केट नीचे आए तो हमें निवेश की मात्रा को और बढ़ाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो फंडामेंटल कैटेगरी के स्टॉक्स होते हैं हमें उसमें निवेश बढ़ाता रहना चाहिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उसका फंडामेंटल स्ट्रांग हो। दूसरा चीज कि मार्केट को जो ड्राइव करता है ना वो कंपनियों के ईपीएस और आरओई। ईपीएस मतलब कि अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट होता है उसको जब नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर देते हैं तो जो आंकड़ा आता है वो आंकड़ा अर्निंग पर शेयर होता है। और आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कंपनी का मैनेजमेंट अपने कुल इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से प्रॉफिट कमाता है वो आरओई होता है। और उसी तरह का एक जो आंकड़ा है आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जब कोई कंपनी एक कोई नया इन्वेस्टमेंट करती है तो वो उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न लेके आती है वो हम कहते हैं आरओसी। तो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक्स में करना चाहिए जिनका ईपीएस, आरओई और आरओसी ऊपर, आरओई और आरओसी को कम से कम 15% के नीचे न हो। हमें निवेश करते समय यह ध्यान रखना चाहिए। तो यदि कंपनी के ईपीएस, आरओई, आरओसी वगैरह मैनेज बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है तो हमें इस स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं है। अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स का आरओसी और आरओई हमेशा ऊंचा रहता है। यदि आप अच्छे जो बड़े स्टॉक्स जैसे एचयूएल देख लीजिए, टीसीएस देख लीजिए, जितने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म में
निवेशकों को ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके दिया है, उन सभी का आरओसी आरओई ऊंचा रखता है। तो हमें हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए आरओसी और आरओई को देखते हुए। इसके बाद हमें निवेश करना चाहिए डेब्ट फ्री कंपनीज है उसको भी फोकस करना चाहिए। विशेषकर देखिए डेब्ट एक ऐसी चीज होती है जो कंपनियों के बिजनेस को बढ़ाने में बहुत मदद करती है, एक अच्छा साधन होता है, लेकिन डेब्ट भी एक सीमा तक ही सही लगती है। और एक हम बात करें तो एक आदर्श जो रेशियो होता है वो 0.50 से नीचे यदि हो तो हमें उस डेब्ट इक्विटी रेशियो जो 0.50 से नीचे हो तो हमें उस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए, और 0.50 के ऊपर चला जाता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कर्ज होता है वैसे वैसे उनको उसका किस्त भी पेमेंट करना होता है और तमाम तरह की इंटरेस्ट रेट घटते बढ़ते हैं तो जिसकी वजह से दिक्कत होती है। तो प्रयास यह करें हम यदि हम डेब्ट फ्री कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है, एक बहुत बेहतरीन मौका होता है डेब्ट फ्री कंपनी में, ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। इसके बाद हमको बात करना चाहिए कंपनी में जो निवेश करना चाहिए वो है कि जो कंपनी अपनी स्टॉक्स प्लेज कर रखी है हमें उस प्लेज से बचना चाहिए। प्लेज मतलब जब कंपनियों का होता क्या है कि पहले वो अपने प्रॉफिट से बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है वहां से वो कर्ज उठाते हैं, और जब कर्ज की सीमा क्रॉस हो जाती है तब क्या करती है कि अपने शेयर्स वो गिरवी रख करके कर्ज उठाते हैं, जिसकी वजह से उनके कर्ज पर जो शेयर पर से जो अधिकार होता है अधिकार भी खत्म हो जाता है। हमें प्लेज शेयर पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कम प्लेज शेयर होना या प्लेज का घटना अच्छे मैनेजमेंट की निशानी होती है। अभी आप पिछले कुछ दिनों से आप देखे होंगे कुछ दिन पहले जो बिग बाजार सुम का जो फ्यूचर ग्रुप था उसके फ्यूचर कंज्यूमर ले लीजिए, चाहे फ्यूचर सप्लाई चेन ले लीजिए, फ्यूचर इंटरप्राइजेज ले लीजिए, जितने सारे शेयर से 80-90% शेयर प्लेज किए जा चुके थे और भी तमाम कंपनियां हैं। तो हमें प्लेज पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, प्लेज जितना कम हो उतना ही हमें शेयर्स अच्छे होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जिन कंपनियों का नेट प्रॉफिट मार्जिन अधिक हो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कम से कम प्रयास करना चाहिए कि 10% के बाद के आसपास यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन है तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ह्यूज वेल्थ क्रिएट करने की संभावना रहती है। इसके बाद प्रमोटर की जो होल्डिंग होनी चाहिए 50% के आसपास होना चाहिए, तब हमें तो ये जब कॉम्बिनेशन हम मिला करके किसी भी स्टॉक में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल एक अच्छा पोर्टफोलियो बनकर के आता है। हमें 15-20 स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और ये जो 15-20 स्टॉक्स होने चाहिए वो अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स होने चाहिए। तो हम लेते हैं तो हमारे जो पोर्टफोलियो होता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेहतरीन पोर्टफोलियो बन के आता है जो किसी भी तरह की दशा हो हमें आउट परफॉर्म करके ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो हमें अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और जब भी मार्केट में गिरावट आता है हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसमें निवेश को बढ़ाना चाहिए, और यदि मार्केट गिरावट आती है तो पैनिक होकर के हमें उसकी बिकवाली नहीं करनी। इस समय यदि आप अच्छे बिजनेस को आप देखना चाहें जैसे CDSL जो कि आपके बेहतरीन बिजनेस है, इसका एक तरह से देखा जाए तो मोनोपोली है डीमैट अकाउंट ओपन होने का, तो CDSL को देखिए करेक्शन पर CDSL को लिया जा सकता है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो भी बहुत अच्छे लेवल पर उपलब्ध है। इसके बाद कैम्स को देखिए, IRCTC को देखिए, इन्फो एज को, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर इस समय करेक्शन पर उपलब्ध है जिसे हमें मौका मिला है निवेश करने का। यदि हम इन कंपनियों में निवेश नहीं करेंगे तो हम बाद में पछताना पड़ सकता है। हम छोटे स्टॉक्स में निवेश करते हैं छोटे प्राइस वाली कीमतों में तो बहुत ही खराब स्थिति होती है, वो कब काफी नीचे चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हमें अच्छे क्वालिटी और अच्छे शेयर का बच्चा एक ही लीजिए तो अच्छा है, भेड़ों का झुंड इकट्ठा करने से कोई फायदा। उम्मीद है आप लोग को जानकारी अच्छी लगी होगी।